स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पंवार आप सबका तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छकार समाज ऐसे लोगों की आवाज बनकर उभर रहा है जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, शैक्षिक रूप से हो, तमाम जीवन के जो पहलू हैं उन सबको समेटता है स्वच्छकार समाज की आवाज। स्वच्छकार समाज की आवाज में हम ऐसे व्यक्तित्व को आप सब दर्शकों के सामने रूबरू करवाते हैं जो या तो स्वच्छकार समाज से आता हो या स्वच्छकार समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका परिवर्तनगामी परिवर्तन के लिए तमाम चैनलों के माध्यम से जानकारी दे रहा हो, उनके लिए काम कर रहा हूँ। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं दिनेश कुमार जी, जो जिनका परिचय खुद दिनेश जी देंगे। आप स्वच्छकार समाज की आवाज के चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर कौशल पंवार आप सबका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दिनेश जी, आप मुझे अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि भी बताइए, सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है। जी जी दिनेश जी। पहले तो मैं सबको मेरी तरफ से जय भीम बोलता हूँ। और मैडम पनवर जी एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण कार्य था, जो मुझे हमेशा सोचता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए लेकिन ये कभी हम कर ना पाए। और मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, इतने बड़े काम को अपने कंधों पर लेके आपने कर रहे हो और उसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी है। और जब से मैंने आपको जो चैनल टीवी चैनल में हमने आपको देखा था, तब से मैं आपको बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से आपसे बातचीत हो जाए, बट बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला और हम आपसे संपर्क कर पाए। और हम आपको समाज की बड़ी बहन समझ के, हमारी सबकी बहन हो, हमारे लिए आदर हो, आदर्श हो, हमारी मॉडल हो हमारे महिलाओं के लिए और हम जैसे मतलब बहुत सारे लोगों के लिए। और उसके लिए मैं आपको आपका पर हम बहुत गर्व और बहुत ही आदर करते हैं आपका। और जो भी आप काम करो हम उसके आपके साथ में रहेंगे, धन्यवाद उसके लिए। अब मेरी बात मैडम, मैं एक जैसे आपने जो बताया कि मैं जिस समाज से हूँ वो समाज हमारा जिसके लिए जाना जाता है, जिस काम के लिए जाना जाता है, तो उसी परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम पूरा दिनेश तुलसी भाई बेरड़िया है और मैं ऐसे हम गुजरात से बिलोंग करते हैं लेकिन हमारा जन्म स्थान जो है मेरा वो बॉम्बे रहा है। मैं बॉम्बे में ही बड़ा पला और मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आज तक का जो है उसमें LLB फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उस कॉलेज से मैंने LLB किया, उसके बाद MCOM, यस मैडम, और उसके बाद मैंने MCOM मास्टर इन कॉमर्स किया, उसके बाद मास्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक MBA डिग्री होती है फाइनेंस में, सोमैया कॉलेज जो हमारे यहाँ के सिमसर सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से है। उसके बाद मैंने हम बैंक का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसको कहते हैं CAIIB फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, वो एक अपने आप में एक अपनी उपलक्ष्यता मानी जाती है कि एक अटेम्प्ट में ही CAIIB को क्लियर करना। और GDCA किया है और उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन डॉक्टर BR अम्बेडकर थॉट्स मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है मैंने। ये मेरी आज तक की क्वालिफिकेशन है मैडम। जी जी दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने इतनी सारी पढ़ाई की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मूल मंत्र जिसको हम बार बार दोहराते हैं, शिक्षित बनो, आपने इतनी हायर एजुकेशन प्राप्त की, आप राज्य गुजरात से महाराष्ट्र तक का सफर कैसे तय किया आपने, क्या क्या दिक्कतें आई पढ़ाई के दौरान, आप हमारे दर्शकों को क्योंकि रोल मॉडल की तरह आपको दर्शक सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपनी इन चीजों के बारे में जरूर बताएं। जी हाँ मैडम, ये आप जरूर कह सकती हो कि एक रोल मॉडल जैसे आप हो तो वैसे हम कुछ लेवल पे हमारा मतलब मैं मानता हूँ कि रोल मॉडल हमारे अभी तक के प्रयास से शायद समाज को हम बन सके, क्योंकि जिस समाज से हम आते हैं वो समाज ऐसा है कि जहाँ पर घर से बाहर निकल के अदर देन हम जो स्कैवेंजिंग जो जॉब करते हैं, अदर देन दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ, हम लोग को उसके बियॉन्ड सोचना ही नहीं है, मतलब वो हमारा एक हम उसकी तोहिन ही नहीं कर सकते कि हम उस बियॉन्ड दैट हम कुछ कर सकते हैं, वैसे हमारे थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है हमारे समाज में।
तो जैसे बचपन में मैं देखता आया था कि हमारे माता पिता जो हमारे दोनों माता पिता थे हमारे, और पिताजी तो अंगूठा छापते, तो उनकी तो पढ़ाई नहीं हुई थी, बट मेरी मम्मी जो है 5th स्टैंडर्ड पढ़ी थी, तो गुजराती मीडियम से। तो मेरा जन्म जो है बॉम्बे में हुआ, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि मेरा जो रहना था वो एक प्रॉपर जो बोलते हैं ना कि टॉयलेट, जिस टॉयलेट को झोपड़पट्टी हमारे यहाँ पे जो होती है, उस झोपड़पट्टी में कॉमन टॉयलेट होता था, उस टॉयलेट के पीछे ही हमारा घर हुआ करता था। तो उसी में हमने मैंने बचपन से मैंने माता पिता को मैंने देखा कि वो सुबह रोज जाते थे, मतलब पूरे झोपड़पट्टी के कचरे उठाना करना। दिनेश जी, आवाज आवाज बीच में कट रही है जी। स्कूल जो, हेलो, आवाज आ रही हाँ जी, मेरी? आ रही है जी। दिनेश जी हाँ, बोलिए जी। उस गुजराती मीडियम गवर्नमेंट की, हाँ गवर्नमेंट बीएमसी कॉर्पोरेशन की जो स्कूल होती है, उस स्कूल में मैंने पढ़ाई की 10th स्टैंडर्ड। और कोई ऐसा एस्पिरेशन नहीं था कि मैं कोई ऐसे इतना पढ़ाई 7th में पढ़ाई, ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसे हमारा सोच भी नहीं थी हमारी। तो मैं जैसे मतलब तो जैसे जैसे बड़ा होते गया और होश संभालने लग गया, जिस है कि हम बस जो माता पिता के साथ जुड़ जाते हैं काम, उसी काम हमारे माता पिता करते हैं, तो मैं भी बहुत उसी में जुड़ गया था। और धीरे 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 आगे जाके 10th के बाद जो मेरे पसंद, तो उसमें फिर मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला और मैं आगे की पढ़ाई मैंने की। और जो जो भी जातिवाचक जो एक इंसिडेंट होते रहे, छुआछूत वगैरह वगैरह, तो कर मुझे लगने लग गया कि नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ काम। तो इसके लिए अपने आपको चैलेंज किया और मैं आगे पढ़ते गया, लेकिन पढ़ते पढ़ते, या आप बोल सकते हो कि काम करते करते, उसी टाइप का काम करते करते जो है मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू रखी। और पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन तक किया, उसके बाद में जो है मैंने, मुझे तो मैं बचपन से मतलब समझ लीजिए कि 15-14 साल से कर ही रहा था, बट धीरे धीरे नीचे मेरा बढ़ गया और फाइनली मैं बैंक में अप्लाई करने चल लगा, और उसके बाद जो है आगे मैं बढ़ते गया। तो आज मैं पहले जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में था, प्राइवेट सेक्टर से मैं मतलब इंडिया बैंक जो है टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम किया है, और उसके बाद आज भी मैं बहुत बड़ी गवर्नमेंट एज अ सीनियर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। पढ़ाई के मामले में जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन बस हमने पैसे ऐसे जुड़ा है जैसे मतलब नौकरी करी या किसी से लोन लेकर या कोई डोनेशन से, इसी तरह से मैंने पढ़ाई की है। मेरे कभी कोई स्कॉलरशिप या कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन वाली फैसिलिटी कभी मुझे मिली नहीं है। और जैसे यहाँ पे इश्यूज भी है, तो बिना सपोर्ट का हमने हमने यहाँ तक कर दी मैडम। हाँ, कुछ पढ़ाई ऐसी है जो मैंने आफ्टर जॉब, दिनेश जी, आवाज बीच में कम आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ दिनेश जी, आवाज आवाज बीच में हाँ कम आ रही है आपकी। अच्छा, हेलो, अभी आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। आपकी आवाज बीच हाँ में कट गई थी। मैं आपसे फिर दोहराना चाह रही हूँ कि वर्तमान में आप किस पद पे काम कर रहे हैं। मैडम, मैं एक मेरा जो पोजीशन है सीनियर मैनेजर की पोस्ट में बैंक रहता हूँ, और एक जैसे पोस्टिंग हुई है और मैं इंदौर में हूँ अभी, दिनेश जी और आवाज फिर नेशनल चली बैंक गई के अंदर में आपकी। एज अ दिनेश सीनियर जी मैनेजर। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ हेलो हेलो, जी, दिनेश जी माइक ठीक करिए। अब आ रही है मैडम? हाँ नहीं अभी तो हाँ नहीं आ रही, बहुत बहुत कम आ रही है अभी प्लीज। जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ दिनेश हाँ जी मैं तो मैं जानना अभी चाह एक रही हूँ। नेशनल मैं हाँ मैनेजर काम कर रहा जी, मुझे लगता है आपके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आपकी वीडियो भी मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही, धुंधली दिखाई दे रही है जी। हूँ। दिनेश जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो
जो जिस समुदाय से आप आते हैं उस समुदाय की सामाजिक स्थिति कैसी है, क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? मैडम कुछ ऐसे लोग है जिन्हें बहुत ही कम है जो जैसे बोलते हैं आप इसको काम जो व्यवस्था है उसके अंदर जो हमारा जो स्थान है वो बहुत ही नीचे के की है। ये जो हमारा समुदाय चाहे बॉम्बे या कर्नाटका हो या जहां पर भी हम चले जाए सेम है और हम एक टोटली जो है हमारा एक बाइंडिंग हमको विद इन सम बाउंड्री हमको रखा गया है कि किसी भी हालत में जो हम वो जो काम करते हैं उसी हम परंपरागत करते 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 कर रह गई है। तो ऐसे सच मुझे कुछ समाज में हमारे बहुत ज्यादा परिवर्तन है। हाँ बट ये बात सही है कि हमारा जो है एजुकेशन लेवल थोड़ा हुआ है थोड़ा सा बोल अब बोल सकते हो कि मे बी 1% ज्यादा नहीं हो सकता। दिनेश जी आपकी दोबारा फिर चली गई आवाज। हेलो, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आपकी बातचीत हमारे लिए और तमाम हमारे जो युवा जो लोग हैं वो आपसे प्रेरणा लेते हैं। आपकी आवाज लेकिन बीच बीच में ज्यादा कट पा रही है, मैं आपको फिर सुन नहीं पा रही हूँ। कर लीजिए आवाज जी। हेलो, हाँ जी दिनेश जी अब आ रही है आपकी। हेलो, हाँ जी 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 अब बोलिए। हेलो अब आ रही है मैडम आवाज़? अभी भी थोड़ा कम आ रही है, कट कट के आ रही है। मुझे लगता है जो ईयरफोन आपने लगाया है ना उसको हाथ में लेके प्रॉपर मतलब वो हिल डुल रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपकी वीडियो भी चली गई। हाँ जी जो है पूरे महाराष्ट्र गोवा में और यहाँ तक कि मतलब जम्मू कश्मीर तक में इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च नहीं लेकिन एक क्यूरियोसिटी था कि मैं इस चीज को अपने समाज को कुछ जो अपनी स्थिति है उसको जानने की कोशिश करने के लिए मैं अलग अलग राज्यों में घूमने भी गए और अपने जहाँ पे सामाजिक जो एक रेसिडेंशियल हमारा जैसे होता है हमेशा आउट ऑफ बहुत लंबे जहाँ दूसरे लोग आना जाना सा उच्च रहने वाले स्थानिक व्यवस्था मतलब जहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनीज होती है वहाँ पे गया और मैंने देखा कि उसी काम लगे हुए हैं चिपके हुए हैं और एजुकेशन लेवल जो है मैडम वो उतना नहीं है जितना लोगों को बताया जाता है कि नहीं अभी वाल्मीकि समाज बहुत पढ़ा लिखा हो बट हाँ थोड़ा प्रोग्रेस जरूर हुआ है और जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ समाज में कुछ लोग होंगे जो जट तक शायद पढ़े हो या थोड़ा बहुत उसके बाकी मुश्किल है। मुझे लगता है कि कोई अगर हमको मिल जाए कि 100 लोगों में 10th भी क्रॉस करता हो ऐसा मुझे बहुत लग रहा है। दिनेश जी एक बात वीडियो ऑन कीजिए, आपकी वीडियो स्टॉप हो चुकी है। वीडियो ऑन है मैडम, वीडियो ऑन है, मैं आपको देख नहीं पा रही। मुझे लगता है ये शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से है। हाँ जी जी वीडियो आपके दिखाई नहीं दे रही, आवाज थोड़ी सुनाई दे रही है वो भी क्लियर नहीं आ रही मुझे लगता है। हमारे तमाम चैनल के लोगों को देखने वालों के लिए दर्शकों के लिए आपकी चर्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस रूप में भी कि आज वाल्मीकि समाज एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैं दिनेश जी से और ज्यादा विस्तार से बातचीत चाहती थी लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्किंग में और वीडियो आप नहीं दिखाई दे रही, आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ रही। दिनेश जी
आप क्या पर दिनेश जी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपके रेडियो दोनों सुनाई दे हमारे तमाम दर्शकों को। मैं फिर से लॉगिन करूं मेरा या लॉगआउट लॉगिन करके नेटवर्क चेंज करके लॉगिन करूं क्या? जी जी बिल्कुल मैं स्टेबल रहूंगी, आप तुरंत ज्वाइन करिए दोबारा। हाँ हो सकता है नेटवर्किंग में आपके यहाँ प्रॉब्लम है। मैं तुरंत करता हूँ मैडम, तुरंत करता हूँ। हाँ जी दिनेश जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो अपना जो वाल्मीकि समुदाय है आपके पास तो दो स्टेट का अनुभव है, गुजरात का भी है और महाराष्ट्र का भी है, दोनों एक तरह से आपके कर्मभूमि और शैक्षिक क्षेत्र रहे हैं, इसमें वाल्मीकि समाज की समस्याएं आपको क्या दिखाई देती हैं या उनकी स्थिति कैसी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से? जी मैडम जैसे मैंने बताया था पहले कि ये जो हमारा समाज है उसको मैंने क्या है कि जैसे हम हमारा जो जन्म ही होता है तो एक समाज के बीच में ही होता है, हमारा रहना हमारा बचपन हमारा जो भी है हम सब समुदाय हम एक समुदाय में ही रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एक वाल्मीकि घर या एक फैमिली आपको कोई सोसाइटी में मिल जाएगी या कोई बड़े अच्छे इलाके में मिल जाएगी, हम उसी गंदी चौल में रहते हैं या झोपड़पट्टी में आप हो सकते हो उनको हम उसी तरह की, या हो सकता है बीएमसी के यहाँ पे हमारे बॉम्बे में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या और जगह पे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या गुजरात का कोई सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो तो उनके दिए गए घर और आवास में हम रहते हैं हमारे समाज। तो मैंने ये चीज पढ़ने के लिए समझने के लिए जो है मैंने अक्रॉस इंडिया मैंने पूरा ट्रैवल किया, और आप बोल रहे हो कि गुजरात का और मेरा महाराष्ट्र का मेरा ज्यादा कनेक्टिविटी इसलिए रहा है क्योंकि गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ बट मेरा पूरा जो जन्म और मेरी जिंदगी जो पूरी बॉम्बे में ही रही है और बॉम्बे से ही हूँ मैं, और बट अपने लोगों की परिस्थिति जानने के एक क्यूरियोसिटी थी मुझमें तो मैं एक उस चीज को जानने के लिए और समझने के लिए जो पूरा अक्रॉस द इंडिया मैंने टूर किया और हर राज्य में जाके मैंने अपने कलकत्ता हो दिल्ली हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो उस राज्यों में जाके मैंने अपने लोगों के रहने खाने पीने और उनके सामाजिक और सोशल स्टेटस एजुकेशनल स्टेटस को जानने की एक मैंने एक प्रयत्न किया मैंने एक कोशिश की। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर भी आप चले जाओ लेकिन हमारा जो समाज है उसका एक जो है उसी अंधविश्वास में घिरा हुआ है टोटली। आज भी वो बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानता है, आज भी वो पूरी तरह से उस धार्मिक गुलामगिरी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और आज भी जो है वो बहुत सारे ऐसे व्यसनों में जुड़ा हुआ है जो पहले से हमारे लोग जिसके लिए बहुत ज्यादा मतलब एक नोटोरियसली माने जाते हैं। और हमारा शैक्षणिक जो लेवल है वो मैं ऐसे मानता हूँ मैडम कि कुछ गिनती के लोगों को छोड़ दिया जाए, मतलब 1-2% आप बोल सकते हो 100 में 1 या 2 होगा जो शायद ग्रेजुएशन तक हम अभी हम लोग पढ़ने लग गए आज की तारीख में, बट अदरवाइज मुश्किल से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई स्कूल गया और 10th भी क्रॉस कर पाया, SSC क्रॉस कर पाया, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कोई भी राज्य में, मतलब इवन पंजाब तक में जाके आया। तो मतलब हमारे जो लोगों की परिस्थिति है मैडम वो आज भी बहुत ही दयनीय है, बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही ज्यादा मतलब हम इसको ये मान सकते कि गंभीर हालात है उनके, हम में बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि प्रोग्रेसिव है। हम जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि ठीक है मैं मतलब जैसे मेरे जैसे कुछ लोग है जहाँ पे हमारे जो रेसिडेंशियल कॉलोनी थी वहाँ पे 52 या 55 घर थे, उसमें से मुश्किल से जो ग्रेजुएट हुआ वो मैं अकेला हूँ, और ग्रेजुएट होने के बाद भी जो इस तरह का जॉब मिला वो भी मैं अकेला हूँ, और उसके बाद जो है मतलब पढ़ाई मैंने शुरू रखी नौकरी करने के बाद जो मैंने लॉ किया मैंने MBA इन फाइनेंस किया और जो जो मतलब पढ़ाई किया वो मैं एक लौता एक वहाँ का एक रेसिडेंशियल कॉलोनी था हमारा उसमें से मैं अकेला हूँ, अदरवाइज बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब वही काम करते हैं आज भी उसी काम के लिए वो जाने जाते हैं। दिनेश जी मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इस समुदाय को अपलिफ्टमेंट के लिए या कैसे आपका क्या कंट्रीब्यूशन है वाल्मीकि समाज? मेरा एक समाज के लिए कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि 2-3 तरह से मैं काम करता हूँ, जैसे कुछ हमारे जो लोग हैं जो जैसे मैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं डायरेक्टली किसी को किसी के साथ मतलब डायरेक्टली अपने नाम से कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ जो हमारे NGOs होते हैं जो हमारे सोशल वर्कर होते हैं जो हमारे सामाजिक संस्थाएं होती है तो उनसे जुड़े रहकर जो है हम एजुकेशन लेवल पे हम लोग कुछ काम करते हैं, जहाँ पे मैं चाहे वो गुजरात हो गुजरात स्टेट हो या महाराष्ट्र में कोई हो हमारा
या और भी कहीं पर भी हो, ऐसे जब मुझे पता चलता है कि हाँ किसी को किसी भी तरह की जरूरत है, मतलब एक प्रकार से माना जाए कि कभी कभी लगता है कि कोई बंदा ऐसा है कि मतलब 10th में या स्कूल लेवल पे कुछ कॉस्टिंग हो, कहीं उसको उठा नहीं पा रहा है, कुछ ऐसी समस्या है और जेन्यून कोई इश्यू है, तो उसको हम एजुकेशन के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं कभी, क्योंकि मैं बीइंग इनटू बैंक एज अ सीनियर मैनेजर पोस्ट में हूँ, तो मेरा कुछ एक्सपोजर बैंकिंग में रहा है, तो मुझे पता है कि एजुकेशन लोन एक ऑप्शन एक हमारे लिए हमने कभी बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है मुश्किल से कोई हो गए जो बहुत कम लोगों ने यूज किया होगा, तो उनको एजुकेशन लोन के लिए मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप की जो स्कीम है, जो मैंने मतलब मैंने तो कभी ली नहीं कोई स्कॉलरशिप, लेकिन हाँ स्कॉलरशिप के लिए मैंने थोड़ा कई जगह पे मैंने थोड़ा अपना रिसर्च बोल सकते हो, उसके द्वारा मैंने कुछ स्कॉलरशिप जो है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, वैसे ही बहुत जगह पे ऑल ओवर इंडिया में कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सेल होते हैं, उसके द्वारा हम स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, उसको कैसे लेना है, क्या करना है, वो मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी, हाँ हाँ, तो उसी 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 के साथ में जो है मैंने हमारी समाज की जो है, हमारे खास हमारे समाज के लिए मैं आपके माध्यम से, आपके इस माध्यम से मैं आपको जो भी लोग दर्शक हमारे हैं उनको सबको मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो है एक हमारे स्पेशली सच्चागार समाज के लोगों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्कूल है, और वो स्कूल जो है सेमी इंग्लिश मीडियम में, हमने एफर्ट्स लगा कि वो महाराष्ट्र मीडियम थी लेकिन उसको हमने सेमी इंग्लिश तक लेके आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल में आप देखेंगे कि हमारे मुश्किल से कुछ 150 या 200 बच्चे होंगे, और उस स्कूल की आप अगर बिल्डिंग देखेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई इंटरनेशनल स्कूल से कम है, मतलब इतनी अच्छी सुविधा है, मतलब उसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप, उसमें LED, मतलब अच्छे महंगे सोने के मतलब साधन है, खाने पीने की व्यवस्था है, बुक्स है, बैग है, पेन है, पेंसिल, मतलब उनको सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके उस स्कूल में जाना है और उस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाई दे सकते हैं। मतलब ये एक तरीके है जो, जैसे मैंने बोला, बार्टी, बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो इंडिया में एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया जो है PhD करने के लिए 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। उसी के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्कीम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट के, जो दोनों को मिलके जो है स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो होती है उन सबको हमने लोगों को मिलके गवर्नमेंट ऑफिस के साथ में लियाजनिंग करके कनेक्शन बना के, मतलब लोगों को जो है उसको उस तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं। और मैं आगे भी चाहता हूं कि चाहे वो बैंक लोन हो, एजुकेशन का लोन हो, या इस तरह का कोई स्कॉलरशिप का कोई जो हमारे पास संस्थान है, संस्थाएं है, तो उनको गवर्नमेंट के और प्राइवेट जो संस्था है उनके सबको मिलके हम अपने समाज तक प्रयत्नशीलता हूँ। बीच में आपको टोकना चाह रही हूँ, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बीच में आपको टोको, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आप उपलब्ध करवा रहे थे, नॉलेजफुल था हमारे दर्शकों के लिए, इसी लिए मैं आपको बीच में टोक रही हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या यहाँ के ही हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं जिसके फीस बहुत ज्यादा है, उसका क्या प्रोसेस है, तो क्या एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिलता है एज बीइंग ए मैनुअल स्पेंजर फैमिली और SC? और आफ्टर गेटिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट उसके बाद क्या उनको वापस देना होता है, उसके क्या टर्म कंडीशन है? हाँ, इसमें मैडम ऐसा है कि ये जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलके जो एक स्कॉलरशिप का जो मैं बता रहा था, इसमें वराइटीज ऑफ स्कॉलरशिप है। एक तो मैंने बोला कि बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो दिया जाता है PhD के लिए, तो PhD के लिए जो वो है उसमें आपको अब्रॉड के लिए PhD करने के लिए एज वेल एज आपको अगर कुछ इंडिया में भी कुछ PhD करनी है तो उसको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, और इसमें कोई रिफंड वाला कोई आपको मतलब ये नहीं कि रिफंड कुछ करना है, ये सारी के सारी जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर रहता है, और आपको उसमें कुछ अब्रॉड के लिए कुछ 20 लाख तक का प्रावधान है PhD करने के लिए, उसमें आपका आना जाना, रहना, हॉस्टल फी, बुक्स वगैरह सब उसमें इंक्लूड हो जाता है, और उसी के साथ साथ आपको अगर इंडिया में भी कुछ करना है तो उसमें भी आपको एक 10 लाख तक का, आपको 10 से 12 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है।
ये एक हो गया। और सिर्फ अदर देन दिस पीएचडी, अगर आपको और भी कुछ करना है, किसी को एमएस करना है, किसी को कुछ इंजीनियरिंग करना है, लॉ करना है, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है स्टेट वाइज जो है हर राज्यों में, मतलब नॉट ओनली महाराष्ट्र, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, या तमिलनाडु है, या कर्नाटका है, इन सब स्टेट में जो है उस स्कॉलरशिप का एक एक अलग से हमारे लोगों के लिए, इन द सेंस, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए या सफाई कर्मचारी के लिए, नहीं, ये जो है टोटल एससी कैटेगरी के लिए होते हैं। तो हाँ, एससी कैटेगरी के लिए है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट होती है वो है शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो एक हमारा पूरे सिर्फ गुजरात महाराष्ट्र में ही नहीं बट ईच एंड एवरी स्टेट में ये इश्यू है कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसका वैलिडेशन भी करना जरूरी है, और अगर वो दोनों आपके पास वैलिडेशन हुआ किया हुआ सर्टिफिकेट है तो आपको वो स्कॉलरशिप प्रोविजन की प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उसको आपको एज अ रिफंड कुछ नहीं करना है। बट हाँ, उसका कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको उसके लिए बाद में आपको काम करना होता है, और उन वो सब कंडीशंस है तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को और अपने समाज को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को बताना चाहूंगा। और इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको एडिशन करना चाहूंगा कि अगर ये जो चीज है ये तो है ही, उसके अलावा भी जो है आपको जो बैंक लोन जो मिलता है उसका हम अभी तक कोई यूज नहीं कर पाते। जब भी मैं देखता हूँ, मैं ब्रांच में, मैंने जब भी मैं बैठता रहता हूँ, तो मेरे पास एजुकेशन लोन के लिए जो प्रपोजल आते हैं तो नॉर्मली अग्रवाल या जो जैन अग्रवाल या जो भी है, मतलब अदर देन अवर एससी पीपल, वहाँ पे लोन का लोन के लिए लोग आते हैं, अपने लोग आते, मतलब मुश्किल से मैंने आज तक कोई, मुझे नहीं लगा कि कोई मेरे पास आया कि भाई सर हमको एजुकेशन लोन दिला दो, क्योंकि एजुकेशन लोन भी एक हमारे पास एक ऑप्शन है अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो। जी दिनेश जी, मैं लास्ट सवाल आपसे ये जानना चाह रही थी कि हमारा जो वाल्मीकि समुदाय है या तमाम जितने भी हमारे जो वंचित वर्ग है, स्वच्छकार समाज है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे समस्याओं का समाधान करें? मेरा मैडम ओवरऑल जो आज तक का अनुभव रहा है कि हमने काम बहुत सोशल अम्बेडकर थॉट्स, अम्बेडकर थॉट्स पे बहुत बात की है, लोगों को अम्बेडकर थॉट को मतलब घर घर तक पहुंचाने की भी बात की, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मतलब आ रहा है, हम नहीं पहुंच पा रहे घरों तक लोगों के, और या तो वो लोग हमारे जो है हिंदुइज्म के जो ब्लाइंड फेथ जो रिचुअल्स है, राइट्स है, उसके अंदर पूरी तरह से घुसे हुए हैं, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। बट ये मेरा सबसे पहला संदेश ये है कि सबसे पहले तो हमें अम्बेडकरिज्म पे ही काम करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, हम जैसे बोलते हैं कि हमारे समाज को शिक्षित बनो, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमको मंत्र दिया था, मूल मंत्र, जो शिक्षित बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये शिक्षित होना ये हमारी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें खाना पीना हमें जरूरी है, उसी तरह से हमें एजुकेटेड होना मतलब बहुत ही जरूरी है। मतलब हमें बिना एजुकेशन के हम नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप पहले कोई गवर्नमेंट की हिंदी मीडियम से पढ़ाई करो या कोई या गुजराती मीडियम से या तमिल कोई भी मीडियम लैंग्वेज कोई भी हो, जैसे मैं खुद गुजराती मीडियम से पढ़ा लिखा हूँ, बट मैंने आफ्टर 10th जो पूरा मेरा अंग्रेजी में ही पढ़ाई हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे कोई नहीं कि हमको हमारे बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। हमें जो है गवर्नमेंट की जहाँ पे फ्री शिक्षा हमको मिल रही है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, हम अपने आप से पढ़ाई करेंगे, और उसको हम कैसे भी करके उस फेज को पार कर दें। एक बार 10th होने के बाद जो है कॉलेज तक हम एडमिशन तक पहुँच गए, आगे जाके बहुत सारे हमको ऑप्शन खुल जाते हैं जिससे हम आगे जाके कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, ये नंबर टू। नंबर थ्री, हम पढ़ाई करते तो हमारे माइंड में एक ही रहता है कि हमें नहीं बस नौकरी करना है। और आजकल लोग देखते हैं कि हमें हमारे लोगों में एक प्रकार से एक ये चल रही है, मतलब भेड़ चाल जिसे बोल सकते हैं कि बस हमको IAS बनना है, IPS बन रहा है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। कोई मतलब उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए, और उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करके हमें सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से नौकरी करनी ये ना सोचते हुए हमें जो है नौकरी लेने वाले ना होकर नौकरी देने वाले भी बनना चाहिए। उसका मतलब ये है कि वी कैन ऑल्सो डू द बिजनेस,
और बिजनेस के लिए जो है हमारे पास ऑप्शन है, ऐसे नहीं कि हम बिजनेस में नहीं उतर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। बिजनेस करने के लिए जो है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे एमएसएमई डिपार्टमेंट हो गया, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसके अंदर ही जो है स्टार्टअप इंडिया के सेल है, उसके अंदर जो है एनएसआईसी है, जिसके अंदर स्टैंडअप इंडिया है, ऐसे बहुत सारे जो है योजनाएं जो है गवर्नमेंट के चल रहा है, जिसके अंदर जाके अगर हम अगर कुछ ऐसे काम करें, कुछ छोटे छोटे ट्रेनिंग लें, जो वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, जो छोटे मोटे जैसे कोई मैकेनिकल हो गए या मशीन मैन्युफैक्चरर हो गए, तो ये सारी चीजें जो है इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये अगर काम अगर हम करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारी पॉलिसीज है, जिसमें से एक पॉलिसी होती है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये शब्दों को ध्यान रखें, मेरे सारे मैं आपके माध्यम से मैं आप सारे समाज को ये बताना चाहूंगा कि एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अनुसार जो है 20% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट इन द सेंस कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट है, उसको अगर कोई भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रेलवे हो गया या कोई डिफेंस वाले हो गए या कुछ भी है, तो उसमें 20% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट, अगर कोई 1,000 करोड़ का माल परचेस करता है डिपार्टमेंट, रेलवे हो गया या डिफेंस वाले हो गए, आर्मी हो गए, तो उसमें से 20% जो है उनको एमएसएमई से ही लेना है। तो एमएसएमई से अगर वो माल परचेस करना ही है, वो एक रूल है, 20% में से भी उनको सिर्फ 2% जो है वो उनको शेड्यूल कास्ट के लोगों से ही लेना है। अगर आप सोचिए मैडम कि अगर हम टोटल जो प्रोक्योरमेंट देखे गवर्नमेंट का, वो हजारों लाखों करोड़ों में होता है, तो अगर उसमें से 1% भी अगर हम निकाले तो वो होता है लगभग मतलब आप वो भी सोचिए तो वो भी हजारों करोड़ों में होता है। तो अगर हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, चाहे टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग कर ले, या बोलते ना कि कील जो होती है, कील मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हम समझ ले, या जैसे हमारे हाउसकीपिंग वाले काम काज हो गए, बहुत सारे ऐसे हम काम जो है अपने लिए हम अपने लोगों को ले सकते हैं, और हम मैन्युफैक्चरिंग करके इन लोगों को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मैं आपको और एक इसके साथ में बताना चाहूंगा, एनएसआईसी करके जो गवर्नमेंट ऑफ एमएसएमई की जो एक डिपार्टमेंट है, उस एनएसआईसी के अंदर जो है एक ऐसा रूल है कि उनको जो है कुछ माल जो है मार्केटिंग करनी पड़ती है। अगर कोई लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का किया हुआ सामान का मार्केटिंग जो करना जो है वो जवाबदारी है एनएसआईसी का। तो एनएसआईसी को जो है उनको कंपल्शन है कि अगर आपका कोटेशन ज्यादा भी है कोई शेड्यूल कास्ट का, तो भी उसको उस शेड्यूल कास्ट के बंदे से माल खरीदना है, ये कंपल्सरी है। तो मेरा ये संदेश है कि नंबर एक तो आप एक तो बिजनेस तक अपने हाथ पसारे, दूसरा और एक बात यह है कि आप डोंट रिमेन ओनली एक्सपेक्टेशन शुड नॉट रिमेन विद इन इंडिया, यू शुड ऑल्सो थिंक ऑफ ग्लोबली। ग्लोबली मेरा कहना मतलब है कि हमारे आज की तारीख में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई जापान में है, कोई लंदन में है, कोई यूएसए में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब इतना फैला हुआ हमारा समाज है कि आज की हमें ऐसा लगता है कि ऑप्शन बहुत सारे खुल गए हैं। तो हमें हो सकता है कि अगर इंडिया में नौकरी ना मिले, अगर हो सकता है कि हमें वो सामाजिक वो इक्वालिटी या वो दर्जा हमें ना मिले यहाँ पे इंडिया में, तो हमें अपने लोगों को एब्रॉड भी सेटल होने के लिए या नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए सोचना चाहिए। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसको बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, मैं इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ आप अपने इस अपने करियर को लेके अपने समाज को उन्नति को लेके जो है वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ बीइंग ग्लोबल नॉट लोकल। अगर हम जैसे मानते हैं कि नहीं हमें जहाँ पैदा हुए वहीं पे रहना है, वहीं पे नौकरी, वहीं पे धंधा, वहीं पे सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी जहाँ है हमें अपॉर्चुनिटी तक पहुँचना है, अपॉर्चुनिटी हम तक आएगी ये नहीं सोचना है, अपॉर्चुनिटी तक हमें पहुँचना ही पड़ेगा। दो सूत्र हैं। सर आपने हमें इतना कीमती समय दिया, हमारे तमाम दर्शकों को बहुत सारी नई जानकारी मिली है आपके माध्यम से। स्वच्छ कर समाज की आवाज़, आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।